अखिलेश यादव ने चलाया पार्टी में सर्जिकल स्ट्राइक। 11 जिलों में अखिलेश यादव ने की बड़ी कार्रवाई। सपा जिलाध्यक्षों को तत्काल प्रभाव से किया बर्खास्त। लापरवाही के चलते जिलाध्यक्षों को सपा ने हटाया। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में दिखी थी लापरवाही। अखिलेश यादव की कार्रवाई पर दिग्गज बोले, एक्शन में अखिलेश। लापरवाह लोगों की पार्टी में नहीं होनी चाहिए कोई जगह है। जिला पंचायत चुनावों को लेकर 11 जिलों में कल एक बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला, जिसके बाद समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने पार्टी के भीतर ही सर्जिकल स्ट्राइक चला दी और साफ संकेत दिया कि अगर कोई पार्टी के प्रति वफादारी में हीला हवाली करेगा तो उसको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने में कोई संकोच नहीं किया जाएगा। अखिलेश यादव ने सत्ता पक्ष को भी संकेत दिया कि तुम्हारी मनमानी के खिलाफ सपा का कार्यकर्ता ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार खड़ा है। दरअसल जिन जिलों के जिलाध्यक्षों को पार्टी ने पद से बर्खास्त किया है, उन जिलों में बीजेपी ने साजिश के तहत सपा को हराने का काम किया और अपने उम्मीदवारों को निर्विरोध चुनने का रास्ता साफ कर लिया। ऐसे में सूत्रों की माने तो इन जिलों के सपा जिलाध्यक्ष अखिलेश यादव को भरोसे में लेते रहे कि माहौल अपने पक्ष में है, और बाद में वो हथियार डालकर खड़े हो गए। इसी के चलते सपा प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पंचायत चुनाव में लापरवाही पर गोरखपुर के जिलाध्यक्ष को हटा दिया गया। इसके अलावा मुरादाबाद, झांसी और आगरा में भी यही कार्रवाई की गई। गौतम बुद्ध नगर, मऊ, बलरामपुर और श्रावस्ती से भी सपा जिलाध्यक्ष को हटा दिया गया। भदोही, गोंडा और ललितपुर सपा जिलाध्यक्ष को बर्खास्त कर दिया गया। इस सर्जिकल स्ट्राइक की जानकारी प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने पत्र जारी कर दी। अखिलेश यादव के इस एक्शन के बाद सपा के कद्दावर नेताओं ने अखिलेश यादव की तारीफ करते हुए कहा कि ऐसा होना बहुत जरूरी था, अब इससे अन्य जिलों में संदेश जाएगा और लापरवाह लोग अब जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे, क्योंकि अब उन्हें भी इस बात का डर रहेगा कि पद से उनकी छुट्टी कर दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।